Class 6, today is 15 September, Tuesday. I'm your maths teacher. Now, we were in the chapter whole number. Last class तक हम क्या करवाए थे? Explanation करवाए थे. आज कुछ questions करवाएंगे. So, exercise 3B, question number 1. See the instruction. Fill in the blanks to make each of the following a true statement. This is your statement. Suppose this is not given in your question. We have to complete the statement. 458 plus 639 is equal to 639 plus what? क्या करना है? इसको फिल करना है. ये नहीं है. अगर स्टेटमेंट कंप्लीट करना है तो हम तुमको एक्सप्लेनेशन में बता चुके हैं कि एडिशन में क्या होता है. ऑर्डर रिवर्स करने से या चेंज करने से रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आता है. तो 458 को अगर 639 के साथ ऐड करेंगे जो भी रिजल्ट आएगा वो इक्वल होगा अगर 639 और 458 को ऐड कर दे. मतलब क्या कर रहे हैं? ऑर्डर रिवर्स कर दे रहे. इसको पहले कर रहे हैं और उसको बाद में कर रहे हैं. तो भी आंसर क्या होगा? सेम होगा. तो ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगा? जब यहां क्या डाले हम 458. ये इस क्वेश्चन में ये क्या था? फर्स्ट था टर्म, इसमें सेकंड हो गया, लेकिन आंसर सेम रहेगा. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 53501 प्लस 574 प्लस 799. यहां क्या हुआ? इसको सेपरेट रखा और इसको ग्रुपिंग किया है. ये है तुम्हारा स्टेटमेंट जिसको कंप्लीट करना. सपोज करो यहां नहीं है कुछ, तो हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली हम ग्रुपिंग चेंज कर रहे हैं. अब ये बाहर सेपरेट हो जा रहा है, ये सेपरेट हो जा रहा है, ये अब किसके साथ ग्रुप होगा? बचा कौन? 799. तो ग्रुपिंग चेंज कर दिया, लेकिन आंसर क्या होगा? सेम होगा. ग्रुपिंग चेंज करने से एडिशन के रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आता. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, एड द फॉलोइंग नंबर्स एंड चेक बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेड. जो अभी बताया वही करना है. पहले एड करना है, फिर उसका ऑर्डर रिवर्स करके चेक करना है अपना आंसर. पहले नॉर्मल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3. सिंपल एडिशन है. एडिशन करने के बाद देखो हम क्या कर रहे हैं. चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंड. एडेंड मीन्स ये सारा टर्म जो एड हो रहा है, इसका ऑर्डर चेंज कर दे रहे. ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड. लेकिन क्या हुआ? आंसर स्टिल सेम आया. तो जो लॉ हम लोग पढ़े थे अकॉर्डिंग टू होल नंबर पे जो एडिशन का लॉ होता है वो चेक हो गया.